लग रहा है जो भी आओ इधर खा के जाओ। कैसे आप लोग, तो आज हम आज के अपने एक और नए ब्लॉग में, और ये है एक पहली बार हमारे चैनल पे फूड ब्लॉगिंग। तो हमारे शहर में मतलब एक बहुत अच्छे पाव भाजी वाले आए हैं, तो आपको चलो उनका दिखाते हैं स्टाइल। तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हो, पहले उन्होंने कर दिए हैं प्याज, प्याज को काट लिए हैं पूरे अच्छे से, एकदम चुन चुन के प्याज काटे हैं। और गाइस ये देखो कैसा डेकोरेशन किया है, उधर प्लेट लगा है, इधर कितना प्लेट है, चार प्लेट ना, इधर पाव, इधर तवा, इतना बड़ा तवा, और इधर सारे मसाले, खुद कुक हो जाओगे। ये तो पाव कितना गर्म हुआ है, इधर सारे उनके मसाले। और ये है भैया, ये इधर है भैया इनका दुकान। चलो अभी देखो कैसे पाव को गर्म करेंगे। ये पंद्रह पाव है, दो हमारा, दो चार प्लेट। चलो देखो, रुको मैं उधर से लेता हूँ। ये देखो अभी भैया पहले ये बड़ा सा एक पाव लिए, उसको बीच में से आधा करके काट दिए। ये कर लिया है भैया ने गैस ऑन, और अभी डाल दिए बटर। ओए ओए ओए, क्या ही तो बटर है, क्या ये क्या डाले भैया, मसाला ये डाल दिए हैं मसाला, और ये पूरा ब्रेड को अच्छे से सेक दिया है बटर से। तो और अभी और थोड़ा सा बटर डाल के पूरा अच्छे से सेक रहे हैं ब्रेड को। दोनों तरफ से होगा या फिर एक तरफ से, दोनों तरफ से होगा। अच्छा ठीक है, चलो भैया बता देंगे बोले। चलो गैस थोड़ा सा बढ़ा दिया है फ्लेम। अरे एक तरफ से अभी ये सीख चुका है, अभी दूसरी तरफ से होगा। नहीं, ये थोड़ा नॉर्मल सीखता है खाली। हाँ मतलब थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा सा टूट गया है। हाँ एक टूट गया है, चलो कोई बात नहीं चलेगा। मतलब थोड़ा सा गरम, मतलब जो बटर है उसमें थोड़ा सा गरम करके अभी उधर भैया लगा रहे हैं प्लेट। देखो पहले प्याज और नींबू, फिर चम्मच, उधर उनका स्पेशल जो है मसाला डाल दिया है उन्होंने। ये देखो गाइस पूरा गरम गरम भाप निकल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। इधर और एक ब्रेड भैया लगा रहे हैं पूरा अच्छे से, मतलब बना के एकदम पूरा अच्छे से देते हैं भैया। चलो अभी इधर से थोड़ा ले लेते हैं। इधर देखो गाइस ये है हमारा एक प्लेट, इधर पूरा धनिया वनिया दे के पूरा अच्छे से देते हैं भैया। ये आप लोग अगर बारीपदा में रहते हैं तो ये देखो गाइस हमारा पूरा आके रेडी हो चुका है पाव भाजी। इधर ये नींबू और प्याज, इधर उनका सब्जी, और इधर पाव। बारीपदा तो जरूर ट्राई करना एक बार, बारीपदा तो पूरा ट्राई करना, बहुत टेस्टी बना रहे हैं। 30 रुपए प्लेट ले रहे हैं, 30 रुपए प्लेट है गाइस, आके जरूर खाना। आइसक्रीम और सीधे पाव भाजी, हाँ सीधे आइसक्रीम और सीधे पाव भाजी इधर मिलता है बारीपदा के राजपुड़िया में। क्या बोले भाई, फालूदा रबड़ी अपने, हाँ उधर उधर उनका देखो फालूदा रबड़ी का भी दुकान है, इधर पाव भाजी। तो आप लोग जब भी आओ बारीपदा तो प्लीज एक बार ट्राई कर लेना, बहुत ही बढ़िया देते हैं भाई। 30 रुपए प्लेट, पूरा फुल पेट आराम से खाना। तो रुको अभी आपको खा के बताते हैं कैसा है। तो भाई पाव भाजी कैसा लगा भाई? बिल्कुल मस्त लग रहा है, जो भी आओ इधर जरूर खा के जाओ। ये इधर पूरा पाव ऐसा है, और ये देखो भाई भाजी देखो पूरा, मतलब और इधर पूरा नींबू निचोड़ के ऐसे खाने का, अरे पूरा फुल हो गया। चलो और क्या, चलो अभी चलते हैं घर पे। जैसे कि गाइस आप लोगों ने देखा कि ये उनका पूरा दुकान है, इधर पाव भाजी और उधर फालूदा का है। तो भैया जी कब से दुकान कर रहे हैं? पाव भाजी का 7 दिन हो गया, और फालूदा का? फालूदा का 10 महीना हो गया। तो 10 महीने से इधर बारीपदा में वो लोग कर रहे हैं। फालूदा चलाते हैं गोलाई में, शाम को जगन्नाथ मंदिर के पास। अच्छा, तो और कितने रुपए प्राइस है सबका, बोल भी बता दो। पाव भाजी प्लेट 30 है,
क्या भाई? पाव भाजी प्लेट 30 है, पुलाव 40 है। और फालूदा? फालूदा रबड़ी फालूदा 60 है, प्लेन फालूदा 50 है, मैंगो फालूदा 60 है, केसर फालूदा 60 है, बादाम पिस्ता 40 है, हाफ 30 है। और मावा मलाई कुल्फी 10 रुपए है, केसर पिस्ता कुल्फी 20 रुपए है। तो गाइस आप लोगों ने सुना अभी क्या क्या मिल 10 प्रकार का आइसक्रीम रहता है, चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, बटरस्कॉच, राजभोग, केसर पिस्ता, वेनिला। ठीक है, तो गाइस आप लोगों ने जैसे कि सुना बहुत सारे चीज इधर मिलता है। और कौन कौन से मसाले आप यूज करते हो? ये मसाला इधर बादशाह मसाला, अभी नाम नहीं जानते मसाले। ये मसाला है, हाँ। बॉम्बे मसाला है, हाँ। बॉम्बे का पाव भाजी। ये धनिया पाउडर है, हाँ। ये नमक है, हाँ। ये मिक्स मसाला है, हाँ। ये वाला, हाँ, और ये जीरा है, ये जीरा और ये हल्दी, ये हल्दी और उसका साइड का इसमें कुछ नहीं है, इसमें है अपन का चटनी है और इसमें बटर है, हाँ, और इसमें बटर है। और ये भाजी है, ये भाजी में क्या क्या डालते हैं? ये टमाटर गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मूली, सब प्रकार का मिक्स सब्जी होता है इसमें। और आप लोग जरा अपना करंट लोकेशन बता दीजिए। करंट लोकेशन राजस्थान, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। नहीं, आप लोग उधर रहते हैं, मतलब ये दुकान कहाँ पे लगाते हैं? ये जगन्नाथ मंदिर के पास लगाते हैं। मतलब पूरा करंट बता दीजिए कि रथपड़िया की, रथपड़िया जगन्नाथ मंदिर के पास लगाते हैं शाम को खोल। शाम टाइमिंग कितने से कितने का है? 4 बजे से 10 बजे तक। तो गाइस आप लोग अगर कभी भी बारीपता विजिट करने आओ तो यहाँ जरूर खाना। इधर क्वांटिटी भी ज्यादा है और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। और प्राइस भी इधर बहुत कम है, आप लोगों को पूरा भरपेट खाने के लिए मिलेगा इधर। और टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा है, अच्छा है। क्यों टिंटू भाई? हाँ, ठीक था खाना। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग अभी पाव भाजी खा के आए, बहुत ही टेस्टी था। ये चिंटू भाई भी बोल रहा था कि पाव भाजी नहीं खाएगा, पहली बार खा रहा था, और अभी बोल रहा है कि हफ्ते में एक दो बार तो वो खा ही लगा, मेरे को पता है। तो अगर बारीपता एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, आप लोग जरूर यहाँ पे आके विजिट करना। इधर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, अपना ये अहिला बारीपता देख लो, इधर सिमलीपाड़, इधर सीताकुंड, वीताकुंड, मयूरभंज, मतलब पूरा एक वैसे तो पूरा एक टूरिस्ट प्लेस ही है। और आप लोग अगर इधर आओ तो इधर का तीन चीज बहुत ही फेमस है, एक साड़ी, दूसरा लड्डू और तीसरा खाना। तो ये तीन चीजें नहीं, सारी तो सारी होगा, मतलब आप लोग मैनेज कर लोगे, लेकिन लड्डू और खाना ये दो चीजें इधर बहुत ही फेमस है। आप लोग आना खा के जाना गुड़ के लड्डू, हाँ, स्पेशली गुड़ के लड्डू। इधर आप अभी सामने दुकान आ रहा है गुड़ के लड्डू का, रुको आपको दिखाता हूँ। इधर अभी आएगा, थोड़ा सा तेज कर लो, थोड़ा सा धीरे कर लो। ये देखो इधर, ये जो दुकान दिख रहा है ये है वो गुड़ के लड्डू की दुकान। मतलब पूरे आप लोग वर्ल्ड फेमस बोल लो, बहुत ज्यादा ही इधर गुड़ का लड्डू जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में मतलब पसंद किया जाता है लोगों को। और आप लोग इधर के खाने के टेस्ट, ओह हो, जैसे आप लोगों ने देखा कि पाव भाजी के दुकान में भी आप लोगों को कितने सारे मसाले के वैरायटी देखने के लिए मिले, जैसे इधर मसालों का पूरा तहखाना है, इधर पूरा खजाना है इधर मसालों का। तो आप लोग आना और जरूर यहाँ पे विजिट करके खा के जाना। बारीपता के लोग खातीदारी में, मतलब क्या खातीदारी में वो लोग कमी नहीं छोड़ते, तो जरूर से इधर। ये हमारा एक और फेमस मंदिर, अंबिका मंदिर, तो एक बार आना टेस्ट करके जाना। तो मिलते हैं जल्दी हमारे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये और कमेंट, ये चार चीजें जरूर करके जाना। और आप लोग बताना, अगर आप लोग कभी बारीपता आए हो तो बताना कैसा लगता है हमारा सिटी। और मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।